आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां केजरीवाल पर दाखिल होगी चार्जशीट। ये बड़ी खबर है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल होगी। कल चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी, तो ईडी की तरफ से कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चार्जशीट को दाखिल किया जाना है। ईडी ने केजरीवाल को आरोपी बनाया है, तो ईडी की तरफ से केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था ईडी से कि क्या अरविंद केजरीवाल आरोपी है, और अब ईडी कल एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली है, जिसमें ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आरोपी करार दिया है। तो आम चुनाव से पहले केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केजरीवाल पर कल ईडी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में, और इस चार्जशीट में ईडी ने केजरीवाल को आरोपी ठहरा दिया है, और कल चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। तो शराब घोटाले मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए लगातार अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुकी है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और कल चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी, तो ईडी की तरफ से कल चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी लगातार की जा रही है। अनुराग ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए अनुराग, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, तो इस दौरान एक बड़ा सवाल किया गया था कि क्या केजरीवाल वाकई आरोपी है, क्या वाकई अगर वो आरोपी नहीं है तो उनको जेल में इतने दिन रखना ठीक है या नहीं। ये तमाम कई ऐसे सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के। अब जो खबर है वो ये है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अपनी चार्जशीट में आरोपी बता दिया है, और क्या जानकारी है? देखिए मुस्कान, साफ तौर पे जिस तरीके से ईडी ने काफी वक्त तक तहकीकात की और काफी साक्ष्य जुटाए हैं, उसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि 2 साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि ईडी के पास पुख्ता साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर वो इनको केजरीवाल को जेल लेके गई है। और जितने भी इस तरह के मामले हैं, कहीं ना कहीं ये सुराग देसी में नजर आ रहा है कि मुख्य साजिशकर्ता यही है। सब कुछ इनकी जानकारी में हुआ, जिस तरीके से दिल्ली में आबकारी नीति बदली गई। बिल्कुल अनुराग, अगर देखिए ईडी अगर कल चार्जशीट दाखिल करती है जिसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी बना दिया जाता है, तो ये कितनी बड़ी मुश्किल की बात है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर केजरीवाल का नाम आ जाता है, तो उनको जो राहत मिलने वाली थी वो मिलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब तक ऐसे किसी साक्ष्य उनके सामने नहीं रखे गए थे जिसके आधार पर कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद थी। लेकिन अब केजरीवाल अगर चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आ जाएंगे, तो फिर उनकी राह आसान नहीं होने वाली है, और लोकसभा चुनाव के दरमियान जो उनको राहत मिलने की उम्मीद थी वो भी खतरे में पड़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अनुराग इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।